गाइस फ्री फायर में होते हैं टोटल 8 रैंक ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर। अभी के टाइम में ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर जाना तो वो दीजिए, हर कोई बंदा भी जा सकता है। पर इसमें एक ट्विस्ट होने वाला है क्योंकि मैं किसी बंदे को भी नहीं जानता, हम बुलाएंगे वर्ल्ड से बंदे को। चलो रैंक का पहला लीग होता है ब्रोजन, चलो बुलाते। चलो मैंने ब्रोजन तो सिलेक्ट कर दिया है, वर्ल्ड में डाल दिया है, कोई आएगा वो आ गया बंदा। भाई कस्टम खेलोगे? कस्टम चलो इससे बात करता हूँ, कस्टम खेलेंगे तो इनसे खेल के मैं कस्टम में मिलता हूँ। और जैसे ही मैं फर्स्ट राउंड में आता हूँ वो बंदे सीधा सीधा आ रहा था क्योंकि ब्रॉन्ज के बंदे ही ऐसे होते हैं, और उसको वन टाइम मार देता हूँ और ये राउंड मेरा हो जाता है। पर दूसरे राउंड में तो बंदा छुप रहा था, कहाँ नहीं मिला और मेरे को छुप के मार दिया, और बंदे को एक राउंड मिल गया और मेरे का भी एक एक राउंड हो गया और मैं ब्रॉन्ज से हार गया, मेरा बेइज्जत हो गया रे। और जैसे ही मैं थर्ड राउंड में आता हूँ नीचे बंदा दिखता है, घूम लगा देते हैं पटाख से एम पी वाइप से हेडशॉट मार देता हूँ। पर मैंने इधर तो कैरेक्टर इसके लिए ऑफ नहीं किया था, कोई नहीं फिर भी मार दिया, दो राउंड जीत चुके हैं। और मैं फोर्थ राउंड में आ गया कि जा रहा था, बंदा छुप रहा था कवर में पर उसको आने दिया था मैं ओपन में, और पटक से किंग फिशर से हेड मार देता हूँ और मेरा 3 हो जाता है स्कोर और बंदे का हो जाता है 1। और अब लास्ट फाइनल राउंड में जीतने के लिए और ब्रोजन को जीत जाऊँगा। और इस राउंड में तो ये बंदा छुप ही रहा था, बंदा ही नहीं मिल रहा था, किधर गया था किधर जा रहा था, और मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। और इतनी देर ढूंढने के बाद मेरे सामने बंदा आ ही जाता है, उसको वन टाइम मारने का ट्राई करता हूँ पर नहीं मरता है, बाल बाल मेरे को ही मार देता था। मैं सोचा वो मेडी कर रहा होगा, इससे रस मार दिया और हो गया हमारा इजी बॉय है और हम जीत चुके हैं ब्रोजन बंदे को। चलो अब ब्रोंज के बाद सिल्वर आता है, सिल्वर वाले बंदे को वर्ल्ड में डालते हैं, वो आ गया एक बंदा और दूसरा भी आ गया, 4 बंदे आ गए। अब चलो इनसे पूछता हूँ और कस्टम खेलेंगे तो इनसे पूछ के कस्टम बना के आपको कस्टम मिलता है। और इधर हम फर्स्ट राउंड में आ जाते हैं और ये बंदे को वाल लगाने भी आ रहा है, अच्छा अच्छा खेल रहा है। अब इसको वन टाइम मारने के लिए मैं वेट कर रहा था, आ रहा था ऊपर में पार्ट से वन टाइम मार दिया यार, मेरा राउंड एक हो गया है। और एक राउंड लेने के बाद मैं आ जाता हूँ दूसरे राउंड में और ये बंदा तो साला अच्छा अच्छा खेल रहा था पर मैं मार दिया हेडशॉट, मजा ही मजे आ गया, 2 राउंड हो गया मेरा। अगले राउंड में तो आ जाता हूँ पर बंदे के पास तो वाल ही नहीं है, मैं दे देता हूँ वाल, बंदे को आ जाता है वाल लेने के लिए और मैं भी पीछे पीछे चले जाता हूँ वाल लगा लेता हूँ। मैं भी वाल तो लगा के कवर में आ जाता हूँ पर बंदा वाल ही नहीं लगाते और ओपन में आ जाता है वन टाइम मारने के लिए, पर मैं सीधा थॉमसन से हेडशॉट मार देता हूँ और हो जाता है हमारा 3 राउंड और उधर का हो जाता है 0 राउंड और हमें मजा ही मजे हो गए। ये है आखिरी राउंड और उसको थॉमसन से पटक से मार देता हूँ और सीधा रश कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत डैमेज था। और देखो शॉटगन से एक गोली मारा और मर गया, अरे मैच भी हम जीत चुके हैं सिल्वर को। चलो गोल्ड वाले बंदे को भेजते हैं वर्ल्ड में, कौन आएगा अच्छा आएगा कि कैसा आएगा, देखिए अच्छा ही आ रहा है, नेम तो अच्छा ही रखा है। चलो इनसे भी बात करके कस्टम में मिलता हूँ आपसे, कौन खेलेगा। और मैं जैसे ही फर्स्ट राउंड में आता हूँ ये बंदा तो पैक कर लेता है डर के मारे क्योंकि मैंने इसको बहुत डैमेज दिया है G18 से, थोड़ा बहुत मैं भी मेरी कर लेता हूँ और इसका वेट कर लेता हूँ कि कब वाल खोलेगा। आखिरकार ये वाल खोल ही लेता है और G18 से इसको उफड़ के पटाख से मार देता हूँ और एक राउंड हमारे में आ जाता है। मैं दूसरे राउंड में बंदे को ढूंढ रहा था पर बंदा तो नीचे है, नीचे से रश कर रहा था पर मैं एंटी वाइप से बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था बंदे को और पैक कर लेता है। मैं इधर से उफड़ उफड़ के जाके उसको मारने का ट्राई कर रहा हूँ, उफड़ के जाता हूँ और टक से मार देता हूँ हेडशॉट और मजा आ गया था और 2 राउंड हम जीत चुके हैं। और तीसरे राउंड में बंदा रस मारने आ रहा था पर क्या मारेगा मेरे को, मैं खुद ही हेडशॉट मार देता हूँ MP5 से और जबरदस्त हेडशॉट हो जाता है और 3 राउंड हमारे में हो जाता है। और तीसरे राउंड में मैं ड्रॉप लूटने के लिए जा रहा होता हूँ पर बंदा मिल जाता है आधी रास्ते में और वो डैमेज दे देता है, माय गॉड मैं मरने वाला था पर इसको पटाख से मार देता हूँ और राउंड और मैच जीत जाते हैं। अब आता है गोल्ड के बाद प्लेटिनम का लीग आता है, प्लेटिनम का रैंक में कैसा बहुत अच्छे अच्छे बंदे आएंगे क्योंकि प्लेटिनम तो अच्छा वाला लीग है। चलो इनको पूछता हूँ और ये कस्टम खेलेंगे कि नहीं, इनको पूछ के आपको प्लेटिनम वाला रैंक बंदे के साथ कस्टम में मिलता हूँ। चलो ये बंदा आ चुका है, रे बंदे के साथ खेलते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट राउंड में मैं USP2 लेके आ जाता हूँ, बंदा छुप रहा था उधर, हेडशॉट तो मार देता हूँ और ओपन में आ जाता है पटक से मार के और फर्स्ट राउंड में जीत जाता हूँ। दूसरे राउंड में मैं MP5 लेता हूँ, MP5 लेके रश कर देता हूँ बंदे को क्योंकि वो डैमेज था और देखो वन टैप बोलते हैं या हेडशॉट बोलते हैं MP5 से, तो हेडशॉट मार दिया है और ये राउंड भी हमारा हो जाता है। और तीसरे राउंड में तो मैं पूरा रश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था उसको मार दूंगा बोल के, और मार दिया भी मैंने, हेडशॉट तो बहुत मारा है पर मैं भी डैमेज था, मेडी कर रहा था थोड़ा बहुत और उसको देख रहा था कि वो ओपन में आएगा तो मैं मारूंगा बोल के ओपन में आके मैं MP5 पकड़ रहा था पर ओपन में ही नहीं आ रहा था वो बंदा, कवर में ही बैठ रहा था, निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। पर मैं देखता हूँ उधर राइट में चला जाता है वाल लगा के पूरा हेड मारने की कोशिश करता हूँ पर नहीं मरता है, फिर भी ओपन में आता है और पटक से हेडशॉट मार देता हूँ और ये राउंड भी मैं जीत जाता हूँ, क्या ही तो हेडशॉट मारा।
आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं इधर ड्रॉप डूब रहा था, वनडे को इंतजार कर रहा था, पर उधर से घूम के आ रहा था। ग्रोजर से तो मार देता हूँ डैमेज, पर थोड़ा बड़ी लगता है और वो वाल से पैक कर लेता है। तो मैं MP5 लेके रश कर देता हूँ, क्योंकि उसको मार देता हूँ मैं हेडशॉट, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था और इस बंदे को भी जीत जाता हूँ मैं। अब आता है प्लेटिनम के बाद डायमंड का रैंक, और डायमंड का रैंक बंदे है तो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। देखिए एक बंदा आ चुका है और दो बंदे आ चुके हैं, इनसे भी पूछता हूँ मैं कस्टम खेलेंगे, और कोई जो राजी होगा उससे कस्टम खेलूँगा। आपसे कब से मैं मिलता हूँ। चलो ये डायमंड का बंदा राजी हो चुका है कस्टम खेलने के लिए, चलो स्टार्ट कर देते हैं और इससे गेम से मिलता हूँ। फर्स्ट राउंड में तो आ जाता हूँ, वो बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंस में लग रहा था क्योंकि वन टैप मारने के लिए बैठ रहा था, पर मैं ही मार देता हूँ USP से। क्या ही हेडशॉट, उसका M500 का मिस तो हो गया। लगता है उसको बहुत कॉन्फिडेंस है, वो इस राउंड में भी M500 ले रहा था क्योंकि वो मुझे वन टैप मारने के लिए बहुत ट्राई कर रहा था, पर उसका वन टैप नहीं हो रहा था। और मैं बॉडी बॉडी मार देता हूँ MP5 से, और ये राउंड भी मेरा हो जाता है। और थर्ड राउंड में बंदा मुझे बहुत डैमेज दे देता है और मैं मेडी कर रहा था, और बंदा M500 ले रहा था M500 हेडशॉट मारने के लिए, पर मैं MP5 से हेडशॉट मार देता हूँ क्या ही, और मेरा थर्ड राउंड भी विन हो जाता है। इस राउंड में तो बंदा ही नहीं मिल रहा था, कहाँ छुप गया था मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। ढूंढते ढूंढते उसका स्पॉन के प्लेस में भी आ गया, पर नहीं मिला वो, और वो बॉट बन के आ जाता है और उसको मार देता हूँ। वो डर के मारे बैक कर दिया होगा, और ये राउंड भी जीत जाता हूँ और मैच भी जीत जाता हूँ। तो गाइस अब ये हीरोइक वाला लीग, क्योंकि बहुत हार्ड लीग है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बंदे आ सकते हैं, वो लोग हमको हरा भी सकते हैं। चलो हीरोइक वाला चूज़ करते हैं। चलो इधर नहीं दिखा रहा है, उधर राइट से करना पड़ेगा पहला, तो हो जाएगा। हीरोइक हो गया, चूज़ कर लिया है। अब इधर भी हीरोइक, चलो ओल्ड में तो इन्वाइट कर दिया है। बंदे आ रहेंगे, कितना लेट आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, लगता है कोई भी नहीं खेलना चाहता है मेरे से। वो आगे, चलो इनसे पूछता हूँ और आपको मिलता हूँ गेम में, कौन खेलेगा, कौन राजी होगा मेरे से 1v1 करने के लिए। और काफ़ी ढूंढने के बाद एक बंदा मिल ही जाता है, और वो आ रहा था सीधे, और मैं USP से क्या ही हेडशॉट मार देता हूँ। क्या कर रहा है वो बंदा, उससे अच्छा तो ब्रोंज के बंदे ही खेल रहे थे। अरे भाई मैं वो बंदे को ढूंढते परेशान हो गया, और वो बंदा ही नहीं मिल रहा था। इधर वाल दिख गया और नीचे उसका पैर भी दिख रहा था, पर उसको मैं इसको खोल के मार देता हूँ और फटाक से राउंड भी जीत देता हूँ। उसका क्या हो गया मेरे को भी पता है, नेट चला गया या कुछ सेटिंग मिला रहा था, पता नहीं। और तीसरे राउंड में आगे जा रहा था, और मेरे को पता चलता है कि ये बॉट है बंदा, क्योंकि देखो वो बॉट जैसा वॉल कर रहा है, और बॉट ही है वो, देखो अपने आप भाग रहा है। और इस राउंड में भी मैं मार देता हूँ, और 3 राउंड हमारा हो जाता है। अब लास्ट राउंड है, क्योंकि वो बंदा बॉट ही हो चुका है, वो बंदा बॉट है बोल के मैं जल्दी जाके उसको हेडशॉट मार देता हूँ, और ये राउंड जीत जाते हैं और ये मैच भी जीत जाते हैं, और हम हीरो एक बंदे को हरा चुके हैं। अब आता है सबसे हार्डेस्ट लीग मास्टर। चलो मास्टर में भेजते हैं, कौन बंदा आएगा, क्या बंदा मास्टर में 1v1 करके हमको हरा पाएगा, चलो देखते हैं। मेरा 88 स्टार है, चलो ये 50 का बंदा आ गया, रिक्वेस्ट भेज रहा है। चलो ये आसम इडिट बोल के कौन आया है, ये भी आया, और Season 2 लगा लिया, अरे Season 1 लगा लिया, ये बंदा तो बहुत अच्छा है। चलो इसके साथ ही खेल लेते हैं, ये खेलने के लिए भी बोल रहा है, चलो इससे मिलते हैं कस्टम में। और मैं फर्स्ट राउंड में आ जाता हूँ वाल लगा के, और वो बंदे को मारने के लिए, पर वो बंदा क्या ही मार देता है, वो भाई वुडपिकर से क्या ही वन टैप मारता है, क्योंकि उसके पास ईवो स्किन है वुडपिकर का, पर मैंने एट्रीब्यूट ऑफ किया है, कोई नहीं। लगता है मैच काफ़ी इंटेंस होने वाला है, वो देखो वो बंदा ओपन में आ रहा है वुडपिकर से हेडशॉट मारने के लिए। मुझे तो डर ही लग रहा था, और मैं थोड़ा कैम्प कर लेता हूँ, कैम्प करने के बाद उसका हेड दिखता है, मैं रश कर देता हूँ, थोड़ा ट्रिक लगाता हूँ, देखो M4N से कैसे मारता हूँ उसको एम लगा के, देखो क्या ही उसको शॉक कर दिया मैं, उसको सरप्राइज मार दिया, और ये राउंड जीत जाता हूँ, हमारा 1-1 हो जाता है। मुझे उस बंदे से तो बहुत डर लग रहा था, पर मैं कोई नहीं, मेरे पे भरोसा था, क्योंकि मेरे पास तो था Dragon AK, और उसको हेडशॉट मारूंगा मुझे बिलीव था, और उसको ओ भाई क्या ही डैमेज दे दिया था, और मैं मेडी कर रहा हूँ, चलो मेडी करते हैं, क्या ज़बरदस्त डैमेज दे दिया भाई उसने। चलो ओपन में आ जाओ भाई, ओपन में, अरे भाई वो भी क्या ही मार रहा है M4N से, मैं भी 1-1 से, हेड लग जाए, अरे साइड में आ गया, हेड लग जाए, अरे 99 का हेड मारा है, और अरे भाई क्या ज़बरदस्त हेड लग गया, मज़ा ही मज़े आ गया, और हेड ही हेड लग गया, और हम 2 राउंड जीत चुके हैं भाई लोग। और तीसरे राउंड में आ जाता हूँ मैं इधर, अरे वो आम से क्या ही डैमेज दे देता है मेरे को, और मैं मेडी करने लग जाता हूँ यार, बहुत डर लग रहा था, आम भी मार रहा है भाई, आम का स्किन भी है, पर मैं एट्रीब्यूट ऑफ किया था, अरे भाई। और मैं बिना डरे आगे चले जाता हूँ और उसको मारने चले जाता हूँ, वो ड्रॉप डूट कर रहा था, मैं 1-1 मारने ट्राई करता हूँ, पर नहीं मरता है, उसको थोड़ा ही डैमेज लग जाता है, और मैं थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी नहीं निकल रहा है, तो मैं भी क्यों निकलूँ, उसको भी मारूंगा मैं जब निकलेगा वो, उसको M10 से क्या ही मारूंगा उड़ उड़ के। मैं इसके ऊपर से जाने ट्राई कर रहा हूँ, लगता है वो पैक किया है, चलो चलते हैं आगे, इससे ड्रॉप से उड़ के जाते हैं ऊपर,
मैं ट्राई कर रहा था ऊपर जाने के लिए, पर वो बंदा वाल ही खोल देता है यार। मैं भी चले जाता हूँ आगे रस करने एमपिन से मारने के लिए। उसको एडशॉट तो लगा है, वो भाई डैमेज लगा है, एक गोली का ओपी भाई मैंने मार दिया यार। 3 राउंड हो चुके, अब 1 ही राउंड है मास्टर बंदे को हराने के लिए, और मज़ा ही आया। और मैं आ जाता हूँ फाइनल राउंड में, और एक ऐसे उसको डैमेज दे देता हूँ और वो भी मुझे डैमेज दे देता है। हम दोनों ही मेडी करने लगते हैं, वो भी मेडी करने लगता है और मैं भी मेडी करने लगता हूँ, और उसको रस कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत डैमेज दिया था उसने और मैंने भी दिया था। और ओ हो भाई, वो भी ओपन भी नहीं निकल रहा है, मैं भी नहीं निकल रहा हूँ। चलो वो कवर में बैठा है, मैं वाल लगा लेता हूँ, उसको आने देता हूँ क्योंकि वो आएगा तो मज़ा ही आएगा, हेडशॉट मारूंगा मैं। अरे लग जा लग जा, अरे 16 का कितना थोड़ा डैमेज लग रहा है, हेड लग गया, अरे दूसरा भी हेड लग गया, अरे इजी भाई मैंने बोया कर दिया है भाई। लोग मज़ा ही मज़ा, मास्टर बंदे को हरवा दिया। अब है सबसे हार्डेस्ट और लास्ट लीग ग्रैंड मास्टर। अरे भाई लोग यार, इधर तो ग्रैंड मास्टर का लीग का ऑप्शन ही नहीं था, मैंने इलाइट मास्टर लगा दिया क्योंकि कोई ग्रैंड मास्टर आएंगे तो उनसे खेलूंगा बोल के मैं वेट करने लगा, और जो नहीं होना था वही हो गया, कोई बंदा भी नहीं आया और मैं ग्रुप लीग के चले गया। और मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि कोई बंदा आए तो अच्छा होगा ग्रैंड मास्टर के, उनके साथ 1v1 करूँगा बोल के वर्ल्ड में डाल देता हूँ फिर से इलाइट मास्टर लगा के, और कोई नहीं आ रहा था यार। मास्टर का एक बंदा तो आ गया, अरे यार वो दूसरा भी आ गया, ये चलो ये भी मास्टर का ही है, और कोई ग्रैंड मास्टर का बंदा ही नहीं मिल रहा था इतना ढूंढने के वक्त भी यार। और मैंने लास्ट ट्राई किया, कोई आएगा तो आएगा अच्छा होगा, उससे 1v1 कर लूँगा ग्रैंड मास्टर का प्लेयर, नहीं आया तो क्या हुआ यार भाई लोग। दूसरे एपिसोड में मैं ढूंढ के आप लोग के साथ 1v1 ग्रैंड मास्टर के साथ वो करा के डाल दूंगा भाई लोग। जो नहीं होना था वही हुआ, बंदा ही नहीं आया ग्रैंड मास्टर का, और मास्टर का बंदा भी नहीं आया। तो भाई लोग आज के लिए वीडियो इतना ही, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना।